चंडीगढ़ में मुसलमान भाइयों की तरफ से आज बकरी ईद का त्यौहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और जिसके चलते सुबह से ही मस्जिद में नमाज अदा की जा रही है और लोग एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। देश भर में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है जिसके चलते अगर चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में लगातार जो देखा जाए ट्राई सिटी के लोग जो है सेक्टर 20 की मस्जिद में जो है नमाज अदा करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ इमान जी मौजूद हैं, बात करेंगे। इमान जी, पहले तो आज ईद की बहुत बहुत मुबारक। आप सब भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज जो है ईद उल अज़हा थी, यानी बकरा ईद है, और पूरी दुनिया के अंदर जो है मुसलमान ईद मनाते हैं और ईद के मायने खुशी के होते हैं, और हर कौम के अंदर हर धर्म के मानने वालों के अंदर कोई ना कोई दिन जो है खुशी का होता है। हमारे हिंदुस्तान में होली है, दिवाली है, गुरपुरब है, और जो है ऐसे ही दिगर मजाहिब के त्यौहार होते हैं। इस्लाम में भी दो त्यौहार हैं, एक ईद है और एक बकरा ईद है। तो इस मौके पर आप हजरात को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और हम ये दुआ करते हैं कि खुदा ये दिन हमारे मुल्क के लिए और हमारे मुल्क में रहने वालों के लिए सबके लिए खुशी का दिन साबित हो। हम आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, यही ईद का जो है संदेश है। क्योंकि हमारा मुल्क जो है अनेक धर्मों का मुल्क है, यहाँ पर अजीब अजीब जो है धर्मों के मानने वाले और अजीब अजीब कौमों के रहने वाले लोग रहते हैं। तो हम सबको आपस में प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए और एक दूसरे की खुशियों में हमें एक दूसरे के साथ देना चाहिए। इसी के साथ आपको फिर ईद की मुबारकबाद। बहुत एक ये बता दीजिए कि ईद और बकरीद में क्या फ़र्क होता है? देखिए, ईद ईद उल फितर होती है और ये ईद उल अज़हा है, यानी बकरा ईद है। उसको हम मीठी ईद कह देते हैं, क्योंकि रमज़ान के जो रोज़े होते हैं, जो हम व्रत रखते हैं एक महीने, उसके पूरे होने पर जो ईद होती है उसको ईद उल फितर कहते हैं, और उसमें कुछ पैसा जो है गरीबों को तकसीम किया जाता है, उसको फितरा कहते हैं। इसी वजह से उसका नाम ईद उल फितर है। और ये ईद उल अज़हा है, यानी ये कुर्बानी की ईद है। इसमें जो है हज़रत इब्राहिम, जो खुदा के मैसेंजर हुए हैं, खुदा के दूत हुए हैं, उन्होंने अपने बेटे को खुदा के नाम पर कुर्बान किया था। तो उनकी याद में मुसलमान आज जो है वो पूरी दुनिया के अंदर कुर्बानी करते हैं, इसलिए इसको ईद कुर्बा भी कहा जाता है और बकरा ईद भी कहा जाता है और ईद उल अज़हा भी कहा जाता है। तो ये फ़र्क है कि इसमें कुर्बानी होती है, उसमें जो है वो मीठी चीज़ खाई जाती है, उसको जो है सवैयों की ईद भी कह देते हैं, मीठी ईद भी कह देते हैं। इमाम जी, एक बता दिए, अगर ट्राई सिटी की बात करें तो ट्राई सिटी में सबसे ज़्यादा ईद 20 सेक्टर में सबसे ऊँचे तौर पर मनाई जाती है, तो कितने जो है मुसलमान भाईचारा जो है यहाँ पर जो है ईद अदा करने के लिए पहुँचते हैं? देखिए, यह सेंटर है पूरे शहर का, तो पूरे शहर से लोग आते हैं, देहातों से लोग आते हैं। यहाँ पर जो है कम से कम 10-15 हज़ार आदमी जो है आराम से आता है। वैसे चंडीगढ़ की हर मस्जिद में तकरीबन ईद हो रही है, वहाँ भी हज़ारों आदमी होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है वो तादाद 20 सेक्टर में आती है। और जैसे ईद उल फितर है, उसमें कम से कम 20-25 हज़ार आदमी हो जाते हैं, और आज मौसम ख़राब था, लेकिन फिर भी जो है अंदर बाहर ऊपर बाहर जो है सब जो है फुल था, तो इसलिए जो है सबसे ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। तो ये थे इमाम जी, जो कि 20 सेक्टर की मस्जिद में नमाज़ अदा करवा रहे थे और नमाज़ अदा करवा कर जो है कहीं ना कहीं जो है ईद की मुबारक जो है देते हुए नजर आए। हालांकि अगर ईद की बात की जाए तो साल में 2 बार ईद जो है वो मनाई जाती है। एक मीठी ईद की बात की जाए तो मीठी ईद जो है वो मनाई जाती है, दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आज जो है बकरीद वो मनाई जाती है। तो लगातार चंडीगढ़ सेक्टर 20 में ईद का त्यौहार मनाता हुआ जो है मुस्लिम भाईचारा नज़र आता है। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अंकित के साथ संदीप सिंह, ANB न्यूज़।